Hey, hello friends, this is Abhishek. Welcome to cgshiksha.com. In the last tutorial we discussed about interface of Maya, so let's continue with it. Viewports के बारे में हम discuss करेंगे. Maya के अंदर चार viewports होते हैं. Viewports basically होते क्या हैं? जैसे कि आप एक canvas पे painting करते हैं, ऐसे ही Maya के अंदर viewports होते हैं जिसके अंदर आप अपने objects को create करते हैं. Okay? So, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे चार viewport available हैं, जिसमें कि एक perspective viewport है, बाकी मेरे पास क्या है? Orthographic viewport. इसमें top, फ्रंट एंड साइड व्यूपोर्ट अवेलेबल हैं. किसी भी व्यूपोर्ट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं. जहां जिस व्यूपोर्ट पे आपका कर्सर होगा वही व्यूपोर्ट आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा. इन चारों व्यूपोर्ट में डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने बताया एक पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट है, तो पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट मेरा 3D व्यूपोर्ट होता है, जबकि मेरे बाकी व्यूपोर्ट 2D व्यूपोर्ट है. 2D मतलब जहां केवल आपको हाइट और विड्थ अवेलेबल हो. 3D मतलब जहां पे आपके पास उसकी हाइट, विड्थ और साथ में साथ डेप्थ भी अवेलेबल हो. ओके, सो दिस इज माय 3D व्यूपोर्ट. बाकी मेरे पास 2D व्यूपोर्ट्स हैं. बाय डिफॉल्ट माया मेरे को चार व्यूपोर्ट अवेलेबल कराता है, ठीक है, और हर व्यूपोर्ट को मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ स्पेस बार बटन के थ्रू. बस व्यूपोर्ट पर जाइए और स्पेस बार प्रेस करिए. अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे चार की जगह केवल दो व्यूपोर्ट हो, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ अपने व्यूपोर्ट्स लेआउट को. यहाँ पे आप कर्सर लाइए, राइट क्लिक करिए, एडिट लेआउट्स पे क्लिक करिए. ऑप्शन मिलेगा एडिट लेआउट्स. एडिट लेआउट्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4 पेन्स. तो चाहे तो मैं यहाँ पे अपने पेन्स चेंज कर सकता हूँ. सपोज मेरे को 2 पेन्स चाहिए, ठीक है, तो 2 पेन्स मेरे पास यहाँ पे आ गए. ओके, सपोज मैंने इसको क्लोज किया. अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पे एक पेन है, इस पेन के अंदर मेरे को अभी क्या है, पर्सपेक्टिव है मेरा व्यूपोर्ट ये, बट मेरे को क्या चाहिए स्टिल, मेरे को ये साइड लेफ्ट या कोई भी व्यूपोर्ट मेरे को उस पर चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, स्पेस बार प्रेस करके उसको होल्ड रखूंगा तो मेरे पास मार्किंग मेन्यू ऑन हो जाएंगे. मार्किंग मेन्यू बेसिकली क्या होता है कि मार्किंग मेन्यू शॉर्टकट्स हैं आपके जितने भी माया के अंदर मेन्यूज दिए गए हैं. तो जहां भी आपका स्पेस बार, जहां भी आपका कर्सर होगा वहां पे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके मार्किंग मेन्यूज अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, सो अगेन स्पेस बार प्रेस करिए जिस व्यूपोर्ट को आपको चेंज करना है. माया लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक बटन और होल्ड रखना. सपोज मेरे को क्या चाहिए, साइड, क्लिक करा तो मेरे पास क्या आ गया, उसका साइड व्यूपोर्ट आ गया. यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है साइड व्यूपोर्ट. अगेन मेरे को पर्सपेक्टिव चाहिए तो मैं अगेन स्पेस बार होल्ड रखता हूँ एंड पर्सपेक्टिव. अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, पैनल टूल बार के अंदर पैनल ऑप्शन पे जाइए. पैनल पे क्लिक किया और ऑर्थोग्राफिक, सपोज मेरे को चाहिए फ्रंट, तो मेरे पास फ्रंट व्यूपोर्ट आ गया. सो दिस इज नाइस ऑप्शन. अगेन मेरे को पर्सपेक्टिव चाहिए तो मैं पैनल में गया, पर्सपेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव. फाइन गाइस, ओके, साथ के साथ आपको हर व्यूपोर्ट पे ग्रिड अवेलेबल है, ठीक है, चाहे फिर मेरे पास वो पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट हो, चाहे मेरे पास फिर वो टॉप व्यूपोर्ट हो. मैं एक काम करता हूँ, अपने व्यूपोर्ट्स को डिफॉल्ट कर लेता हूँ. तो हर व्यूपोर्ट में क्या है, ग्रिड अवेलेबल है. ग्रिड का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट अगर आपको करनी है तो वो आप ग्रिड के थ्रू इजीली कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जो आपके पास व्यूपोर्ट्स हैं उनमें क्या है, इनफाइनाइट स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितना एरिया भी आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे वो ग्रिड के सेंटर से क्रिएट करेंगे, क्योंकि ग्रिड इस सारे स्पेस का एक होरिजन होता है. ओके, तो अपनी फाइल आप इजीली मैनेज कर सकते हैं और उसको इजीली सर्च कर सकते हैं इतने बड़े इनफाइनाइट स्पेस के अंदर, ठीक है. ओके, सो इस ग्रिड के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को मेजर कैसे करते हैं. सबसे पहली बात ये कि इस ग्रिड पे आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, तो इनका रोल क्या है, आप जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर. अगर आपको ये ग्रिड हाइड करनी है तो डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर जाइए, वापस ग्रिड पे क्लिक करिए तो ग्रिड हाइड हो जाएंगी हर व्यू पोर्ट्स की, ठीक है. आप केवल एक व्यू पोर्ट की ग्रिड हाइड करनी है तो आप हर पैनल में जाके यहाँ पे ग्रिड का बटन आपको मिलेगा, इसको आप प्रेस कर सकते हैं तो आपकी ग्रिड हाइड हो जाएगी. ओके, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, समटाइम्स क्या हो रहा है कि मैं किसी ऑप्शंस पे जाता हूँ और मेरे को जो मेरा माउस कर्सर है उस पे बॉटम में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है. दैट मींस अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन के सब ऑप्शंस मिलेंगे. तो जैसे मैं ग्रिड ऑप्शन ऑन किया तो मेरे पास यहाँ पे इसके ऑप्शन आ गए. ओके, जैसे कि डिस्प्ले पे गए, ग्रिड पे आपको यहाँ बॉक्स मिल रहा है, क्लिक किया तो मेरे पास उसकी सेटिंग्स ओपन हो गई. यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है साइज का,
लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ एंड विड्थ के अंदर मेरे पास यहाँ पे 12 यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स बेसिकली हैं क्या, सेंटीमीटर्स हैं, इंचिस हैं, उसका पता लगाने के लिए आपको विंडो में जाना है, सेटिंग एंड प्रेफरेंस एंड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग, सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्किंग यूनिट्स, ओके। वर्किंग यूनिट्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा लीनियर, यहाँ से आपको चूज करना है कि आप कौन सा यूनिट सेटअप चाहते हैं। सपोज मेरे को इंच चाहिए या मेरे को मीटर चाहिए, तो आप वो चूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर पे मैंने क्लिक किया, अगेन सेव। दैट मींस यहां से लेकर जीरो से लेकर यहां तक मेरे पास कितने लाइंस हैं, 12, ठीक है, ओके। तो मैं इजीली जज कर सकता हूँ कि सपोज मेरे ऑब्जेक्ट है, तो मैं लाइन काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस ओरिजिन से कितने हाइट है इसकी, 7, ठीक है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ओके। इवन यू वांट टू विजिबल योर नंबर, ठीक है, तो आपको डिस्प्ले में ऑप्शंस मिलेगा, पर्सपेक्टिव या ऑर्थोग्राफिक दोनों ही व्यू पोर्ट्स के लिए आप अपने जो यूनिट्स नंबर हैं उनको शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रेस किया ऑन एक्सिस एंड अप्लाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 12 यूनिट है, तो 0 से लेके 12 तक के मेरे पास नंबर आ गए, बट स्टिल मेरे को केवल 0 या फिर 5, 10, मतलब आफ्टर 5 यूनिट मेरे को नंबर विजिबल हो रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ग्रिड लाइन एवरी, तो सपोज आई प्रेस 1 एंड अप्लाई, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और 0 से लेके 1 में आपको कुछ डिविजन्स मिल रहे हैं ग्रिड के, तो अगर आप चाहते हैं ये डिविजन्स तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ये डिविजन्स हटा सकते हैं, ओके। सो किसी भी सेटिंग्स को जब आप चेंज करते हैं, और इवन आपको उसके बाद बाय डिफॉल्ट सेटिंग अगर चाहिए, तो आप एडिट ऑप्शन में जाइए और प्रेस करिए रिसेट सेटिंग्स एंड अप्लाई, ओके, एंड क्लोज इट। किसी भी व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप स्पेस बार प्रेस करेंगे। अगर आप अपने पूरा व्यू पोर्ट सेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अपने यूआई एलिमेंट्स हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि ये एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं, चैनल बॉक्स एंड ऑल, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है, तो आप अपना पूरा व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपनी विंडो पे, ताकि आप इजीली काम कर सकें, ओके। वापस कंट्रोल स्पेस बार से आप वापस जा सकते हैं, ठीक है, तो अगेन आपके पास वही व्यू पोर्ट्स आ गए। नाउ अपने व्यू पोर्ट्स को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे कि जनरल शेल्फ्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं टम्बलिंग कैमरे के, ठीक है, और ट्रैक कैमरा करने के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 व्यू पोर्ट्स हैं, तो एग्जैक्टली ये जो व्यू पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली कैमरे हैं, जो माया के बाय डिफॉल्ट कैमरे हैं, जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो इन कैमरे को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओल्ड बटन प्रेस करिए और उसको होल्ड रखिए, एंड माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करिए और उसको होल्ड रखिए एंड ड्रैग। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कैमरे को टंबल कर सकते हैं, ऐसे ही ओल्ड प्लस मिडिल माउस बटन ट्रैक कर सकते हैं, एंड ओल्ड प्लस राइट माउस बटन के थ्रू आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रोलिंग के थ्रू भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट के अंदर आप ऑर्बिट कर सकते हैं अपने कैमरे को, बट 2D व्यू पोर्ट के अंदर आप केवल ट्रैक कर सकते हैं या फिर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय माई ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच।